हमारे यहाँ तबसरों में कोई भी प्लेयर हर्ट हुआ हो हमारे किसी की भी बात से जी, तो हम उससे माजरत कर लेते हैं और आज के दिन भी करेंगे हर्ट किसी को तो उसकी भी एडवांस माजरत है। लेकिन ये है कि जी टोटली किसी के कोई पर्सनल नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी जी। लेकिन जो चीज हमने महसूस की कि जिससे किसी टीम की किसी प्लेयर की बेहतरी हो, हमने अपनी तरफ से वो वाली बात करने की। बिल्कुल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, और इसका मतलब भी यही होता है कि अगर हम क्रिटिसाइज करें तो जितने भी प्लेयर्स देख रहे हैं या उन तक ये मैसेज पहुंचता है उनकी परफॉर्मेंस जो है वो फर्दर इंप्रूव हो। और आई थिंक रूम फॉर इंप्रूवमेंट हर जगह होता है, तो इसको दिल पे नहीं लेना चाहिए या ऑफेंड नहीं होना चाहिए। हमें कितनी झुकते ये लोग करते थे, अब देखें हमारा दिल कितना बड़ा था। खास तौर पर अगर मैं अपनी बात करूं ना, जितना मैं पंचिंग बैग थी इस पूरी ट्रांसमिशन में, लेकिन थॉरली एंजॉयड। रमजान का महीना है तो मैंने आप दोनों को माफ कर दिया है, इतने बड़े दिल की हैं आप। अच्छा एनजी भाई ने जहाँ बात की, मैं भी एक बात ऐड करना चाहूंगी कि हम लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स को कभी अगर कुछ पर्सनल लग गया हो तो हमारा सिर्फ हंसाने का मकसद होता है, किसी को भी हर्ट करने का मकसद नहीं होता। तो अगर कभी ऐसा हुआ तो आप प्लीज हमसे माफी मांगो। नहीं उसमें जिना, जिस आपने क्रिकेट के हवाले से बात की, हमारी और इस हमारे सुनो चैनल की ये पूरी इस मेरे ख्याल मैनेजमेंट का ये स्टांस होता है कि एजेंडा बेस हमने जर्नलिज्म नहीं करते जी। जो फैक्ट्स होते हैं, जो रियलिटी होती है, उसी पे बात करने की कोशिश करते हैं ताकि रियलिटी लाई जाए लोगों के सामने। और मेरा ख्याल है हमारे जो एक्सपर्ट भी आते हैं वो भी इसी चीज़ को एंडोर्स करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह हम इस चीज़ पे कह सकते हैं कि हमने किसी की खास ख्याल रखा है। और ये मैनेजमेंट की तरफ से भी था कि एक थिन लाइन होती है, वो क्रॉस ना हो, तो मजा भी हो और काम भी हो जाए। इंजी भाई के दिल में पता क्या चल रहा है कि तुमने ना सिर्फ थिन लाइन, थिक लाइन भी क्रॉस की। नहीं नहीं, हम मिलकर वो सिर्फ थिन और थिक लाइन जाएगी, इंजी भाई वो भी क्रॉस करनी है। इंजी भाई आप शाहिद हैं, ऐसी कोई बात गई शाहिद शाहिद कैसे भूल सकते हैं वाहिद से। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स, वैसे हर रोज इतनी इनोवेशन के साथ आना। और फिर उकाशा के बारे में बताना चाहूंगी कि अपना स्क्रिप्ट भी आप दोनों ही प्रॉब्ली खुद लिखते थे, करते थे, और उकाशा का खास तौर पे बहुत ज्यादा होमवर्क होता था प्रॉपर। तो क्रेडिट गोज टू यू गाइस। भाई मुझे ये बताएं, मैं तो बैठा रहता होता था। इसका मैं विटनेस हूँ कि जिस तरह हम प्री ट्रांसमिशन के बाद ये दोनों बैठते थे और वो अपनी 3-4 घंटे वर्किंग करते थे। मैं सलूट करता हूं। नहीं मैं सही बताऊं, ऑन अ सीरियस नोट, हंसाना बहुत मुश्किल काम है। 30 दिन तक आप एंगेज रख रहे हैं और उसमें सीरियस गुफ्तगू भी है। बीच में मैं जैसे एनजी भाई ने 2-4 दफा बोला कि अब मैं क्या इस पे अपना तजिया दूं, मेरा तो दिमाग ही घुमा दिया। अच्छा मैं भी यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूंगी। लाला कह रहे हैं कि हंसाना मुश्किल काम है, अब कोई इन्हें बताए कि हंसना कितना मुश्किल है। ये तो कसरे नफसी से काम ले रही है। अच्छा हमने अपनी बात तो कर ली, इनसे भी जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा।